पतितानंग पावने भो वैष्णवे नमो नमः नमः महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपे सह गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदेवै प्रियाय केशव सच कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम।
श्री गुरु पाद पद्म नित लीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री 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 माद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नित लीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री 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 माद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जब इस जगत में आए कहते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि महाप्रभु जब आए पूरा धाम और परिकरों को लेकर वो सबके सब श्वेत दीप से आए, लेकिन कहते श्री महाप्रभु की कृपा से ये जगत का लोक जो भक्तों को दर्शन करना बड़ा ही दुर्लभ है, लेकिन महाप्रभु का आशीर्वाद से साधारण लोग भी सब भगवान के परिकरों को उनका भी दर्शन हो गया। इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कहते जितने वैष्णव है न जन्म कर्म बंधन वैष्णवान विद्यते, कहते वैष्णवों का जन्म कर्म बंधन नहीं, ये महाप्रभु के साथ में आते हैं और महाप्रभु के साथ में ये सब के सब चले जाते हैं। आज हम श्रवण करेंगे नवम अध्याय। नवम अध्याय में कहते चैतन्य जो भागवत है ये विश्राम नवम अध्याय में ये विश्राम मिलेगा। कहते महाप्रभु का कथा कभी खत्म नहीं होता है, क्या होता है विश्राम मिलते हैं। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर बोले हार को तो बरनी बहन रजप्यास, मेरे से जितना संभव हो पाया मैंने कोशिश किया वर्णना करने के लिए, और कितने मेरे जैसे प्यास आएगी सबके सब वर्णना करेंगे। और कौन वर्णना किए जैसे कवि कर्णभूर ने वर्णना किया है, कहते श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वर्णना किया है, श्री अद्वैत श्री स्वरूप दामोदर रूप गोस्वामी ये लोग भी महाप्रभु की कथा हमको ये लोग भी कुछ कुछ इन लोगों ने वर्णना किए। इसलिए कहते इसमें कहते बोले जय द्रव्य प्रभुर प्रीते पूर्व शिशु काले सकल जान नेता वैष्णव मंडल। महाप्रभु बचपन में जब नवद्वीप धाम में रहते थे तो उनको क्या क्या अच्छा लगता था ये सब भक्तों को पता ही था। इसलिए सही सब द्रव्य सभी प्रेम युक्त हया आनिया छे ने जत सब वैष्णव लागिया। लेकिन जितने जब महाप्रभु के भक्त लोग बंगाल से उड़ीसा आए वह सब वस्तुओं को साथ में सर पर रख करके महाप्रभु के लिए सब के सब लाए हैं, और उसको क्या करते हैं उसको रसोई बना करके श्री चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण देते हैं। आज हमारे घर में आपका भोजन है। कहते जैसे अद्वैत आचार्य जी का पत्नी श्री सीता देवी ये कौन है, ये लक्ष्मी साक्षात उनका दो पत्नी है, कौन कौन है सीता देवी और एक भू शक्ति और एक श्री शक्ति है, इसलिए कहते उनका दो शक्ति है हैं। इसलिए कहते ये दोनों जो शक्ति ये कौन है, कहते महाविष्णु का ये उनका शक्ति है, इसलिए साक्षात ये लक्ष्मी अंश में ये जन्म हुए हैं। इसलिए ये बड़ी ही सुंदर लक्ष्मी स्वयं जब बनाएगी कितना उसमें स्वाद नहीं होगा, बड़ी ही सुंदर रसोई बनाते हैं। और महाप्रभु क्या करते हैं आकर के उनके घर में रोज रोज प्रसाद महाप्रभु ग्रहण करते हैं। बोले एक दिन श्री अद्वैत सिंह महामती प्रभु रे बोलीला आजी भिक्षा करी थी मुष्टिक तंडुल प्रभु रांधी वापनी
हस्तमर धन्य हो तुमार भक्तणी। तब श्री अद्वैत आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के निमंत्रण दिया, बोले प्रभु आज हमारे घर में आपका भोजन है, ज्यादा नहीं रुसी होने में, एक मुठा हाथ में, एक मुठा लेने पर जितना चावल आता है उतना चावल ही भाई रुसी बनाऊंगा, क्योंकि जब हमारे हाथ का वस्तु भगवान जब ग्रहण करेंगे तभी इन्हीं हाथों का साथ रहा है। लोग तो दुनियादारी की सेवा करते हैं लेकिन कहते सब करो वा कुरुत सफर जिया हरे लसत कांचन कंकणोंगा, कहते यहाँ से लेकर यहाँ तक सोने की कंगन पहने हैं हाथों में, लेकिन इन्हीं हाथों से वो ठाकुर जी को सेवा नहीं करते हैं। कहते हाथ क्या है, बोले सब करो वो जो दोनों हाथ है, कहते मरा हुआ हाथ है, कहते इन्हीं हाथों से जब पूर्वजों को कोई पिंड प्रदान करते हैं वो लोग पिंड ग्रहण नहीं करते, बोले क्यों मरा हुआ हाथ है, इन्हीं हाथों से तुम ठाकुर को सेवा ही नहीं करते हो, जब सेवा नहीं करते हो फिर तो इन्हीं हाथों का वस्तु पूर्वज लोग कैसे ग्रहण करेंगे, कहते पूर्वज लोग ग्रहण नहीं करते, कहते उन्हीं के हाथों का वस्तु पूर्वज लोग ग्रहण करते हैं जो इन्हीं हाथों से ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तभी इन्हीं हाथों की सार्थकता है। इसलिए कहते प्रभु आपके लिए रोसी बना करके बनाने से हमारी जो दोनों हाथ हैं ये पवित्र हो जाएगा। इसलिए तब चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, बोले तुम्हारी हाथों से भोजन करने से भक्ति मिलता है, क्योंकि भक्तिस्तु भगवत भक्त संगे न परिजायते और पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मैं भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त उपरीत अस्नामि प्रजत। भगवान सभी का दिया हुआ वस्तु ठाकुर ग्रहण नहीं करते, जो भक्ति पूर्वक देते हैं भगवान उसको ग्रहण करते हैं। और ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुक्ते भजयते चैव षड्विध प्रतिलक्षणम्। कभी छह प्रीति का लक्षण ही भक्तों को खिलाओ और भक्तों के हाथों से खाओ, जो भक्तों के हाथों से हम ग्रहण करेंगे वो वस्तु ग्रहण करने से हमारे हृदय में भी भक्ति जागृत होगा। इसलिए महाप्रभु कहते हैं अद्वैत आचार्य तुम्हारी हाथों से भोजन करने से भक्ति होता है, कि तुम नहीं देने पर भी हम जोर जबरदस्ती मांग कर खाएंगे तुम्हारी हाथों से और तुम्हें खाओ ले। इसलिए कहते जब तुम खिलाते हो हैं भगवान कृष्ण को भी खाना पड़ता है, हैं कृष्ण को भी खाना पड़ता है। इसलिए श्री मुरारी गुप्त हैं घर में घी अन्न बनाया और भाग में आकर खाओ खाओ ऐसे चावल लेकर फेंक रहे थे, चावल दे रहे थे, चावल दे रहे थे, लेकिन चावल तो घी चावल तो खिला दिया लेकिन पानी नहीं पिलाया। अगर घी चावल खा लो और पानी मत पियो क्या होगा, अम्ल हो जाएगा। महाप्रभु बाद में आए बोले तुमने घी चावल खिलाया पानी पिलाया तुमने, इसलिए मेरे को अम्ल हो गया, पानी पिलाओ दवा पानी पिलाओ मुझे। इसका मतलब है अगर भक्त भक्ति पूर्वक कुछ वस्तु प्रदान करते हैं भगवान भी ग्रहण करते हैं। हैं श्री सनातन गोस्वामी बिना नमक के टिकिया भोग लगाते थे, कृष्ण क्या कहते हैं बोले नमक तो देता ही नहीं, अरे प्लस में सब्जी तो देता ही नहीं, अरे कम से कम थोड़ा नमक तो दे दो, गले को नीचे उतर नहीं था, गले के नीचे उतरता ही नहीं, क्या तुम बिना नमक के खिलाते हो हैं। इसलिए वो क्या कहते हैं बोले आज बोलेंगे सब्जी, कल बोले उठा था दूध होता तो बढ़िया होता, फिर बोले भाई उठा मिठाई हो जाता बढ़िया होता, फिर बोले उठा राबड़ी होता है ना फिर मजा आ जाता है। भैया हम इतने कहाँ से लाए, हम नहीं खिला सकते, खाना तो अपने आप व्यवस्था कर लो। इसलिए ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जब भक्त भक्ति पूर्वक कोई वस्तु देते हैं कहते भगवान को ग्रहण करना पड़ता ही है, भगवान उसको अवश्य ग्रहण करते हैं। इसलिए जब उन्होंने अद्वैत आचार्य जी ये बात सुने ना, किसी व्यक्ति को अगर थोड़ा प्रशंसा करते तो खुश हो जाते हैं ना, जब महाप्रभु स्वयं बोले तुम्हारे हाथ का खाना कृष्ण भी खाते हैं प्रेम से, अद्वैत आचार्य तो बस इतने खुश हो गए, प्रेम में गदगद हो गए, महाप्रभु हमारी इतने प्रशंसा करते हैं, इतना प्रशंसा करते हैं महाप्रभु। इसलिए कहते दोनों कहते लक्ष्मी अंश में उनका दोनों पत्नी जन्म हुई है, दोनों लोगों ने रसोई बनाया, कहाँ जो गौरव देश से जो जो चीज लाए थे हैं वो सब चीज, बोले साग कितना तरह के बने, बोले 10 तरह का साग, क्योंकि महाप्रभु का साग बहुत अच्छा लगता है,
हैं, इसलिए यहाँ बाजार में जाओ, कलमी साग, लेवटिया साग, कोसला साग, और क्या साग, घीमी साग, इसलिए आप इधर ही देखोगे 10-15 तरह का बाजार में साग बिकता है, हैं 10-15 तरह का साग बिकता है, इसलिए यहाँ पर कभी 10 तरह का तो उन्होंने साग बनाया, इसलिए गौरव प्रिय साग से बने जीवन सार्थक मानी। महाप्रभु को जो साग भाजी, साग भाजी, साग भाजी समझते, तो क्या हरी बत्ती बोलते हो, इसलिए वो महाप्रभु बहुत अच्छा लगता है, इसलिए 10 तरह का बनाया। तब कहते हैं अद्वैत बोले ने कृष्ण दास के माँ है, कृष्ण दास के जो माँ मतलब उनका जो अपना पत्नी को कह रहे, पहले पत्नी का नाम नाम से कोई नहीं बुलाया करते थे, पत्नी भी है, पत्नी भी पति का नाम कभी नहीं लेती थी, और पत्नी भी कभी पति का नाम, पति भी पत्नी का नाम ले लेती थी, इसलिए कहते कृष्ण माता की, कृष्ण है कृष्ण दास के माता जननी मतलब उसका बेटा का नाम, उसका जो माँ, लेकिन अभी सब नाम लेकर है, सब नाम लेकर बुलाएंगे, इसलिए कहते वो जो मर्यादा सबके सब धीरे 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 खत्म हो रहा है सब मर्यादा, इसलिए वो कह रहे हैं कि देखो जब श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं वो अकेले नहीं आते, वो पूरा अपना भक्तों को लेकर के आते, और महाप्रभु क्या कहते मेरे को तो लाफड़ा है, मेरे को लाफड़ा व्यंजन दो, और जितने भक्त लोगों को किया दो है, क्या क्या बात कर, क्या हो बात मत करो, इसलिए कथा भी सुनते नहीं, कथा भी मैंने आगे बस श्री बसो जी गर्व हो गए, इसलिए कहते हैं कहते जब महाप्रभु आते हैं क्या बोलते हैं मेरे को तो लाबड़ा हाँ जो गड्ढे का सब्जी और चावल मेरे को दे दो, और जो भक्त लोगों को जितने पीठा बना हाँ जितने जो बढ़िया बढ़िया जो केक जो मिठाई रसगुल्ला लेडीगिन चमचम जो बढ़िया बढ़िया भक्तों की, इसलिए महाप्रभु सब भक्तों को खिला देते, लेकिन आज अद्वैत आचार्य ने बहुत बढ़िया बढ़िया है, इसलिए बहुत बढ़िया बढ़िया उन्होंने रसोई बनाया, कहते उन्होंने क्या क्या रसोई बनाया है, काफी वहां पर कहते हैं कहते उन्होंने बढ़िया घी से दे करके बढ़िया सुंदर खीर बनाई है, फिर उन्होंने मक्खन बनाए और पिष्टक, पिष्टक मतलब होता है हमारे उड़ीसा में पीठा पड़ा कहते हैं, वो बहुत प्यारा चीज उधर का है, पीठा बनाए, बड़े सुंदर संदेश बनाए, केले का सुंदर चीज बनाए, और श्री बहुत अच्छे अच्छे तरह से उन्होंने बढ़िया बढ़िया रसोई बनाए हैं, रसोई बना करके सोच रहे हैं आज हमने बहुत इतने अच्छे तरह तरह से हमने ठाकुर महाप्रभु भक्त लोगों के लिए रसोई बनाया, लेकिन महाप्रभु आए तो क्या करते हैं सब चीज तो उन्होंने भक्त लोगों को खिला देते हैं, और खुद क्या खाते हैं गड्ढे का सब्जी चावल खाते हैं, अब ये सोच रहे अगर आज हमने इतने बढ़िया बढ़िया बनाया, अगर श्री चैतन्य महाप्रभु अकेले आते हैं ना तब उनको अकेले खिला करके हम बहुत खुश होते, ये मन मन में ऐसे सोच रहे हैं, तब सोच रहे हैं कि तो भगवान भक्तों का इच्छाओं को भगवान पूरी करते हैं, भगवान भक्तों का इच्छा पूरी करते हैं, इसलिए इधर क्या हुआ महाप्रभु समुद्र में स्नान करते थे, स्नान करके यही यहीं पर स्नान करते थे, स्नान करके फिर महाप्रभु जाते प्रसाद पाते, जब महाप्रभु स्नान करके जैसे हम त्रिसंध्या आनी करते हैं सवेरे दोपहर और शाम को, तीन टाइम हम आनी करते हैं, हैं नियम है दोपहर में आनी करनी चाहिए, लेकिन हम लोग सवेरे और दोपहर का दोनों का एक साथ में सवेरे कर लेते हैं और एक टाइम हम शाम को करते हैं, ठीक है ना, इसलिए कितना बार आनी करनी चाहिए, तीन बार आनी करनी चाहिए, इसलिए दोपहर में कभी कभी बिजी रहते हैं, लेकिन हमने किस किस को देखा है नहीं दोपहर में वो अलग आनी करेंगे है, लेकिन हम सवेरे दो दो आनी के एक साथ में कर देते हैं, इसलिए नियम है हमें देखो महाप्रभु स्वयं आनी कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं अगर आनी का अगर कंटिन्यू तीन दिन तक नहीं करते हैं कि जो मंत्र शक्ति वो धीरे धीरे ये मंत्र शक्ति घटती जाता है, कम होती जाता है, मंत्र शक्ति खत्म होती जाती है धीरे धीरे, इसलिए बगैर आनी के भोजन नहीं करनी चाहिए, इसलिए सवेरे हम क्या कर दो दो आनी सवेरे हम दो दो आनी कर लेते हैं, इसलिए आनी के बीच में बंद नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसका शक्ति धीरे 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 घटती जाएगा धीरे धीरे, इसलिए पहला भजन उसके बाद में।
भोजन एज नहीं भोजन आगे है प्रसाद सेवा करता है सकल प्रपंच है इसलिए प्राप्ति मात्र भक्तव्यम प्रसाद आने का साथ साथ भजन करनी चाहिए जल्दी प्रसाद ला भजन को एक तरफ रख नहीं ऐसे नहीं होनी चाहिए इसलिए हरिदास ठाकुर जी को जब महाप्रभु सख्यात प्रसाद देने के लिए आए जगन्नाथ जी का प्रसाद हरिदास ठाकुर बोले नहीं प्रभु आज प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि मेरा नाम संख्या पूरी नहीं हुई 3 लाख हरिनाम करके फिर हरिदास ठाकुर को जो भजन कर दे 3 लाख भजन है 3 लाख भजन करके इसलिए हरिदास ठाकुर के महाप्रभु ने क्या बोले हरिदास ठाकुर सारा जीवन आप इतना साधन किया है अभी तो वृद्ध हो गए ना थोड़ा कम संख्या कम करो लेकिन हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं बोले प्रभु शरीर मोर सुस्त है असुस्त बुद्धिमान मेरा शरीर तो चंगा है लेकिन असुस्त बुद्धिमान हमारी जो बुद्धि जो मन है ना ये बड़ा दुष्ट है आप देखना कोई उल्टा पुलटा हंसी दिलाई करने के लिए घंटा घंटा चले जाए उसमें चले जाता है लेकिन जब थोड़ी सी बोले हरिनाम करो तो ग्रंथ पढ़ो 1000 बहाना मोबाइल देखो तो घंटा घंटा चले जाते हैं लेकिन जब बोले भजने की बात बोले नाम था अरे नींद आ रही है तकिया लाओ सोएंगे इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं है? इसलिए यदि अन्य कथा पाओ आटिया साटिया कहो अगर दूसरा बात अगर मिल जाए हमने इतना बड़ा सांप देखा था अरे हमने इतना बड़ा सांप देखा था वहां पर हमने इतना बड़ा भूत अरे हमने बाबा 10 मंजिल भूत देखा था देखना एकदम नींद चली जाएगी लेकिन जब भगवान की कथा हो भजन की बात हो ना बोले झूमे झूमे तलाश वाली से अरे तकिया लाओ नींद आ रही है इसलिए हरिदास ठाकुर यहाँ पर है हरिदास ठाकुर कहते बोले प्रभु शरीर मोर सुस्त है शरीर तो मोर चंगा सुस्त है लेकिन असुस्त बुद्धिमान ये जो मन है ये बड़ा दुष्ट है ये मन है इसलिए प्रभुपाद कहते सवेरे उठो और अपना जूती लेकर 100 बार अपना मन को पीटो मन आज हरिनाम करना आरती में आना है अगर आरती में नहीं आएंगे तो भजन आज प्रसाद ही बंद प्रसाद नहीं पाएंगे देखो भजन आरती से शुरू होता है इसलिए उसका नाम निशांत लीला कहते हैं इसलिए गुरु जी कहते थे जो मंगला आरती दर्शन नहीं करते उनको कोई मंगल नहीं हो सकता गुरु जी स्वयं कहते जो मंगला आरती दर्शन नहीं करता उसको कोई मंगल नहीं होगा तो उसका नाम ही मंगला आरती है कहते शुभ दृष्टि करो प्रभु जगत प्रति जागो का हृदय मोर सुमंगला रहती है इसलिए जो दरवाजा खुलता है सबसे पहले ठाकुर का जो नजर है जो सामने खड़े हुए उनको ऊपर पड़ता है पढ़ने पर क्या होता है हृदय में सुमंगला रति है हृदय में सुमंगल रति प्रकट होता है हृदय इसलिए ऐसे नहीं जैसे कभी महाराज जाएंगे अरे कौन देखता है आज सो जाओ थोड़ी सी आरती महाराज तो है नहीं कोई कुछ बोलने वाले नहीं इसको भजन नहीं इसका मतलब हम भजन करने नहीं आए यहाँ पर और किस धंधा से आए यहाँ है और कोई धंधा से यहाँ पर आ गए भूल से हमने आ गए यहाँ पर नहीं भजन के लिए हमें किसको बोलना जरूरत नहीं भजन के लिए किसको बोलना पड़ता है भजन के लिए प्रसाद के लिए नहीं हमको उसको ये चीज दिया मेरे को नहीं दिया अरे मेरे को थोड़ा दिया उसको ज्यादा दे दिया नहीं इसलिए अपना है इसलिए किसको बोले मंगल आरती में आओ कीर्तन में आओ भजन में आओ फिर तुम्हारी भजन कहाँ भजन है ही नहीं तुम्हारी भजन है ही नहीं तो रास्ता कैसे भूल कर दिया आगे नहीं स्वाभाविक रूप में कीर्तन कथा भगवान का नाम जप स्वाभाविक रूप में होनी चाहिए कोई बोलेगा फिर हम करेंगे फिर क्या हो गया इसको थोड़ी भक्ति कहा नहीं ऐसी कभी नहीं होनी चाहिए और हम भगवान की खा रहे ठाकुर जी की हम प्रसाद पा रहे बाहर जाओ 8 घंटा काम करोगे तभी एक मुट्ठी खाना नहीं मिलेगा एक गृहस्थ व्यक्ति को पूछो 8-8, 10-10 घंटा काम करके फिर जा करके तब भी सारे बच्चों को खिला करके जो बचेगा उसको खाएगा और यहाँ पर हम 2-3, 3-4 बार प्रसाद पा रहे किसका ठाकुर जी का अगर उसका भजन नहीं करेंगे ना उसको भजन नहीं करेंगे फिर वो चीज भोजन फिर हजम नहीं होगा फिर कहाँ लेकर के सिर्फ संसार की गड्ढे में डालेगा भजन नहीं किया तुमने कहीं से संसार में पीस देगा ना फिर पता चल जाएगा सारी चीज निकल जाएगा रस है क्योंकि भगवान भजन करेंगे तो तभी वो चीज जाकर हजम होती क्योंकि
मंदिर में जो प्राची जाता है परारना, ये दूसरा करना आता है। लोग यहाँ पर देते हैं, भिक्षा में देते हैं, परिश्रम करके काम कर खट करके देते हैं। इसलिए हमको ठीक ठीक से भजन हरिनाम ठीक से करनी चाहिए, बोलने का जरूरत नहीं। फिर दो दिन बाद घर में जाना पड़ेगा, फिर भगवान लेकर संसार में डालेंगे, जा देख ले संसार में क्या हो रहा है, हैं? इसलिए यहाँ पर स्वाभाविक रूप में हर चीज स्वाभाविक रूप में करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, कहते हैं यहाँ पर सोच रहे हैं अगर महाप्रभु अकेले आ जाते तो उनको खिला करके प्रसन्न होते। इसलिए महाप्रभु समुद्र में स्नान किया और मध्यान्ह किया। मध्यान्ह जब किया, अद्वैताचार्य जी का पास प्रार्थना किया, महाप्रभु अकेले आते तो उनको खूब आज पेट भर करके तृप्त करके उनको खिलाते। लेकिन इतने में इंद्र ने देखा, वो अद्वैताचार्य पान सदासी महाविष्णु, इनकी इच्छा है महाप्रभु अकेले आए, आज जी भर करके खिलाए। इसलिए उन्होंने क्या किया, बस महाप्रभु की सेवा कर दिया। क्या कर दिया, जब महाप्रभु बैठ करके आनी कर रहे थे और दूसरे दूसरे भक्त भी दूसरे तरफ में आनी करने के लिए बैठे, आया आकाश आंधी तूफान है, इसे घना घोर आंधी तूफान आया, जैसे यहाँ पर फनी आई थी, हैं? किसको कहाँ लेकर के चला गया ना, कौन किधर गया अपना प्राण लेकर, किसको पता ही नहीं चला, सब इधर उधर भाग गए। और इतने में श्री महाप्रभु हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु हरि नाम करते 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 वहां सीधा अद्वैत आचार्य जी के पास में चले आए। जब चले आए, हे अद्वैत आचार्य जब देख करके इतने खुश, अरे महाप्रभु अकेले कोई है ही नहीं, हे बड़ा खुश हो गया। और महाप्रभु का चरण धोया, चरण धो करके उनको बैठाया और जो बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनाए थे, हैं? महाप्रभु का छना डालना, धोखा सब्जी, हैं? धोखा ना धोखे सब्जी और बढ़िया बढ़िया 10 तरह का साग और पुष्पानच और कितने तरह तरह का उन्होंने खाना बनाए थे और पीठा पाना महाप्रभु को खूब बैठा करके जी भर करके महाप्रभु खिलाया। ए आज इतने तृप्त हो गए। जब तृप्त हो गए, अद्वैत आचार्य बोल रहे हैं, बोले देखो ये इंद्र ने कितना सेवा किया है, आज ना इंद्र को हम फूल जल दूंगा, उनको मैं फूल पहुंचे दूंगा। इतने में महाप्रभु प्रसाद बाहर, बोले क्या बात है, क्या बात कर रहे हो, मैं समझ रहा हूँ तुम लोग क्या बोल रहे हो, मैं समझता हूँ, हैं? इसलिए आज मेरे को अकेला खिलाना चाह रहे थे ना, अरे इंद्र ने तुमको मदद कर दिया, इसलिए फूल जल उनको देना चाह रहे हो, हैं? इसलिए महाप्रभु भी बड़ा आनंद, महाप्रभु बड़ा आनंद लिया। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, बोले जन्म काल मृत्यु जार आज्ञा सिरे धरे, जार पद वांछन योग्य स्वर मुनि स्वरे। इसलिए यहाँ पर कह रहे अद्वैताचार्य है कौन, कहते ये सदाशिव महाविष्णु, ये कहते जन्म काल मृत्यु, कहते ये लोग भी जिनकी आज्ञा को अपना सर पर धारण करते हैं, कहते जिनका चरण कमल को बड़े बड़े योगी ऋषि लोग इनकी चरण कमल को ध्यान करते हैं। इंद्र इनकी बात सुनेगा, कौन सा बड़ी बात, कहते ये कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, इंद्र इनकी बात सुने, हैं? इसलिए कहते जिनकी स्मरण मात्र से अद्वैत आचार्य का, कहते सारे बंधन मुक्त हो जाते हैं, तुम्हारी कृपा में भक्ति मिलती है। और इसलिए ये भक्ति बल में सिंह जैसे हैं। इसलिए कभी सब कथा को अगर कोई भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, उनको भगवान के चरण में भक्ति मिलती है। कहते एक दामोदर पंडित थे, इन्होंने नवद्वीप गए थे। जब नवद्वीप गए, नवद्वीप से जब वापस आए, तब चैतन्य महाप्रभु उनको देख करके कुछ प्रश्न कर रहे हैं। बोले तो नवद्वीप गया था, बोले हाँ, बोले आई को दर्शन किया माँ को, बोले हाँ तो दर्शन किया, बोले आई को अंदर में, मतलब माँ के अंदर में कोई भक्ति तुमने देखी कि नहीं, इतना सुनते ही दामोदर पंडित बोले क्या आई रे प्रसाद जे तुम्हारे विष्णु भक्ति जब तक जो तुम्हारा सकल तार शक्ति, बोले तुम्हारी अंदर में जो भक्ति दिखाई पड़ रही किसकी कृपा है, तुम्हारी माँ की कृपा है, माँ के अंदर में जो गुण है अभी तुम्हारे अंदर में वो गुण आया है, अगर माँ भी नहीं रहता तो तुम्हारे अंदर में कहाँ से भक्ति आती, इसलिए तुम्हारे अंदर में जो भक्ति है तुम्हारी
माँ का आशीर्वाद से। इसलिए जो अश्रुकंप स्वेद मुच्छा पुलक हुंकार सब विकार इसकी क्या है। जो कृष्ण नाम बोले आये रे परिया कथा जिज्ञास जिज्ञास गोसाई विष्णु भक्ति जा रहे बोले सही देखा आई। कहते माता जी कौन है। कहते जो माता जी कहते ये साक्षात विष्णु भक्ति की स्वरूपिणी है माता जी। इसलिए प्राकृत सब देव देवा बोली बैठा आई आई बोला प्रभाव तार दुख नहीं। कहते अगर साधारण प्राकृत भाषा में अगर कोई आई बोल दिया हमारे उड़ीसा में आई किसको कहते हैं बाबा जी की माता पिताजी की मार किसको कहते हैं मार माँ। हाँ मार माँ आई। कहते जो आई शब्द है कहते प्राकृत शब्द के जवाब बोली वे क्या आई। प्राकृत भाषा में अगर कोई आई बोलते हैं बोले आई प्रभाव तार दुख नहीं। कहते आई नाम बोलते सारे दुख उसका दूर हो जाते हैं। इसलिए दामोदर जब उन्होंने ये सब बात बताया ना महापुरुष सुनकर बड़े खुश हो बहुत खुश हो गए। महाप्रभु को परीक्षा कर रहे थे हैं परीक्षा कर रहे थे बोले जत किछु विष्णु भक्ति संपत्ति तुम्हार आई रह प्रसाद सब दिखा नहीं यार। तुम्हारी अंदर में जितने भक्ति है ये सब के सब माँ की आशीर्वाद। महापुरुष सुन करके दामोदर पंडित को आलिंगन किया उसको उन्होंने आशीर्वाद दिया है। इसलिए महाप्रभु और एक सुंदर लीला कर रहे हैं बोले धन जस भोगजार अच्छय सकल भक्ति जार नाई तार सब अमंगल। यहाँ पर कह रहे हैं तुम्हारी घर में सारे सुख हैं घर में सारे भोग संपत्ति हैं सारे सुख तुम्हारी अंदर में घर में लेकिन तुम्हारी हृदय में भगवान के प्रति तुम्हारी भक्ति नहीं ठाकुर के चरण में तुम्हारी भक्ति नहीं। कहते अद्य खाद्य नाई चार दरिद्र अंत विष्णु भक्ति था के लिए सही है धनवंत। जिनका घर में आज भी भोजन करने के लिए भी खाना नहीं ऐसे दरिद्रता है आज भी भोजन के लिए लेकिन उसका अंदर में भगवान की भक्ति है। कहते सचमुच से वही व्यक्ति धनवंत है। इसलिए सुदा माँ सुदा माँ सु मतलब उत्तम दाम मतलब पैसा जिसको पास उत्तम पैसा था लेकिन हम सुनते हैं सुदामा दरिद्र सुदामा दरिद्र सुदामा लेकिन उसके हृदय में भगवान की भक्ति थी हैं इसलिए उनका नाम सुदामा है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं जो मेन वस्तु भगवान की भक्ति है बोले भिक्षा निमंत्रण चले प्रभु सवास्थले व्यक्त करी यह कही आचन अपने। एक दिन महाप्रभु को भक्त लोगों ने निमंत्रण दिया बोले प्रभु आज हमारे घर में आपका भोजन है प्रसाद। लेकिन महाप्रभु इसी छल में छल ना करके एक बहुत बड़ी महाप्रभु शिक्षा दिया बोले क्या शिक्षा बोले भिक्षा निमंत्रण प्रभु बोले न हासिया चलो तुम्हें आगे लख सरहाओ गया। बोले मेरे को निमंत्रण दे रहे हो ना मैं तुम्हारे घर में आकर प्रसाद खाऊंगा पहले लखेश्वर जाकर बनो लखेश्वर बना। आज के आज से 5.5 साल पहले लखेश्वर मतलब जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण मोहर हो। भक्त लोग सुनकर तो बड़े दुखी हो गए बोले प्रभु क्या कह रहे घर लखपति बनो पर तुम्हारे घर में भोजन करेंगे हैं। कहते हमारी घर में प्रभु 1,000 रुपया तक भी नहीं 100 रुपया तक भी नहीं क्यों 100 स्वर्ण मोहर 1,000 स्वर्ण मोहर हैं आप कहां लाख की बात कह रहे हो। इसलिए कहते अगर आप हमारी घर में भोजन नहीं करेंगे फिर हमारा जो गृहस्थ धर्म है हैं जो हमारी घर में जो हम गृहस्थ सब जल भूनकर नष्ट हो जाए। जब भगवान को ही हम अपना घर में महाप्रभु खिला नहीं पाए घर में खिला जिंदा रहना मरना बराबर है। इसको सुन करके महाप्रभु भक्त लोगों को बुलाए बैठाए समझाए क्या समझाए प्रभु बोले जानो लखेश्वर बोली कारे प्रतिजिन लख्य नाम जे ग्रहण करे। महाप्रभु बोले असली लखपति कौन है ले रोजाना जो 1,00,000 ठाकुर जी का नाम ग्रहण करते हैं। एक बार जोर करके बोलो बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे
नाम आमी बलि लखेश्वर जथा भिक्षा अमार ना जाई अन्य घर लख नाम लैव प्रभु तुमी कर भिक्षा महाभाग्य एई मत कराओ तुम्हें शिक्षा। जब उन्होंने महाप्रभु बोले जो लखपति होगा उसको घर में भजन करेंगे, सारे भक्त लोग खुश हो गए। तो खुश हो गए कह क्या कह रहे हैं, बोले प्रभु हम रोज रोज क्या करेंगे, 1,00,000 हरिनाम करेंगे। भक्त लोग बोले रोज रोज हम 1,00,000 हरिनाम करेंगे। इसलिए हमारे श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी बोलते थे भगवान हमें 24 घंटा दिया है, 24 आवर। बोले 8 घंटा सो बहुत है, 8 घंटा 8 घंटा काम करो और 8 घंटा भजन करो, 1,00,000 8 घंटा में 1,00,000 हो जाएगा। 8 घंटा भजन करो और 8 घंटा सो और 8 घंटा काम करो, हैं? इसलिए वो ऐसे बोलते थे। इसलिए यहाँ पर खूब खुश हो गए। हाँ देखो यहाँ प्रभुपाद एक अच्छी बात कह रहे हैं, बोले महाप्रभु यहाँ क्यों बोले लखपति बनने के लिए, 1,00,000 हरिनाम करने के लिए क्यों बोले? इसलिए बोले अगर समय को बोले जेने तेने प्रकार ने कृष्ण मन निवेश है, किसी तरह से मन को भगवान में लगाना ही इसको भक्ति कहते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 1,00,000 हरिनाम कर कम से कम 6 घंटा लग जाएगी, 7 घंटा कोई 8 घंटा भी लग जाए, अगर 6 घंटा 7 घंटा भी लग जाता है फिर क्या होगा, हम समय को कभी बर्बाद नहीं करेंगे। ऐसे नहीं एक जगह पर बैठ करके बात सारे दुनियादारी की उल्टा पुलटा बात, उसका बेटी ने इसे किया, उसको बहू ने इसे किया, उसकी सास बहू में लड़ाई, उसको बेटा भाई में लड़ाई, और उसको यहाँ सारा दुनिया की बकवास बकवास करने शुरू कर देते। लेकिन अगर 1,00,000 हरिनाम करते तो तुम्हारे को समय नहीं, क्योंकि 1,00,000 तुमको 6-7 घंटा लगेगा हरिनाम करने के लिए। इसलिए प्रभुपाद कह रहे क्यों महाप्रभु ने बोले 1,00,000 हरिनाम करने के लिए, क्योंकि ये जो मानव शरीर नहीं कहते साधन धाम मुक्सर करिकामा, ये साधन धाम 84 लाख जन्म के बाद में एक बार मिला, भगवान बार बार ये जीवन नहीं देंगे। अगर एक बार ये जीवन चला गया ना वह फिर वही 84 लाख जीवन में भटकना पड़ेगा, और इसी जीवन में ही भगवान का नाम और हरिनाम कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए ये जीवन नहीं, ये मुक्ति का दरवाजा है। इसलिए समय को नष्ट नहीं करके क्या करनी चाहिए, जितना दूर भगवान की सेवा, भगवान का नाम और ग्रंथ अनुशीलन को द्वारा समय को हमें बितानी चाहिए। कत प्रतिदिन लख्य नाम सब द्विज गणे लय न चैतन चंद्र भिक्षार कारणी। जितने भक्त लोग थे रोज रोज 1,00,000 हरिनाम ग्रहण किया, बोले क्यों, महाप्रभु हमारे घर में भजन करेंगे। भक्ति लाई ते श्री चैतन्य अवतार, भक्ति बिना जिज्ञासा ना कर प्रभु आज। बोले महाप्रभु क्यों आए, केवल भक्ति को ही दिलाने के लिए। इसलिए महाप्रभु भक्ति को छोड़ करके और कोई बात ही नहीं करते थे। प्रभु बोले जे जनरे कृष्ण भक्ति आछे कुशल मंगल तार नित्य थाके पाछे, जार मुखे भक्ति महत्व नाही कथा तार मुखे गौर चंद्र ना देखे सर्वथा। बहुत अच्छी बात कह रहे प्रभु, बोले जे जनरे कृष्ण भक्ति आछे जिसके अंदर में कृष्ण भक्ति है, बोले कुशल मंगल तार सब तार पाछे, जिसके अंदर में कृष्ण भक्ति आ गया, कुशल मंगल सब आ गया उसके अंदर में, और जान मुखे भक्ति महत्व नहीं कथा जिसको मुंह में भगवान की भक्ति बात नहीं, तार मुख गौरव चंद्र ना देखे सर्वथा। महाप्रभु उसका मुंह तक भी महाप्रभु नहीं देखते हैं। इसलिए बोले भक्ति स्थिरतरा भगवान जलिश्यात दैवेन दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति स्वयं मुकुंदा जलिश वर्तमान धर्म अर्थ काम समय प्रति। जब भक्ति हृदय में आ जाए सख्यात भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं, धर्म अर्थ काम ये तो उसको पीछे पीछे भागते रहते हैं, मुक्ति तो गेट के बाहर खड़ी होकर के प्रार्थना करती है हमें कृपा करके थोड़ा हमें सेवा में ग्रहण कर लो। इसलिए एक दिन महाप्रभु अपना गुरु केशव भारती को पूछे, बोले गुरुदेव एक बात बताओ, बोले क्या है, बोले सभा है थे ऐसे देखी बड़ा भक्ति रा महत्व। महाप्रभु पूछे बताओ गुरुदेव ये भक्ति बड़ा ना ज्ञान बड़ा है। गुरुदेव ने कहा सबसे जो श्रेष्ठ है भक्ति, इसलिए जोगिनाम अपि सर्वेषां मत गतिनांतरात्मना श्रद्धावान भजेत जो माम सम्य युक्त तमाम। भगवान कहते हैं मेरे मत है, हैं जोगियों के अंदर में जो प्रीति प्रेम से मेरी भजन करते वही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए
यहाँ पर कहते हैं ज्ञानतः सुलभ मुक्ति भुक्ति जज्ञाति पुण्यतः श्रेय साधन सहस्र हरि भक्ति सुदुर्लभा। ज्ञान के द्वारा मुक्ति मिल जाती है, लेकिन सहस्र साधन के द्वारा भक्ति मिलना दुर्लभ है। इसलिए भक्ति को बताया कृषक ने सुभदा मोक्षा लघुता की रखी सुदुर्लभा। भक्ति बड़ा दुर्लभ है, भक्ति भगवान की भक्ति। इसलिए यहाँ पर कहते हैं सबई पुंसा पर धर्म जत भक्ति प्रदक्षजे आहे तो की अप्रतिहता जय आत्मा संप्रसिद्धि। आत्मा को शांति कैसे मिलेगा? बोले सबई पुंसांग पर धर्म, सारे जीवों का वही सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या? जत भक्ति प्रदक्षजे, भगवान को भक्ति करना ही यही जीव का सर्वोत्तम धर्म। इसको द्वारा क्या होगा? इसको द्वारा तभी ये आत्मा को शांति मिल सकती, नहीं तो आत्मा को शांति मिलेगी नहीं। इसलिए तर्क प्रतिष्ठनाथ श्रुतय विरना नासो मुनिर्जस्य मतम न भिन्नम धर्म से तत्व नीत गुहायाम महाजन जेना गतसपथ। पद केवल एक ही पथ है। कौन सा पथ है? वेदा विवरना, वेद अलग अलग, स्मृति अलग अलग, ऐसे मुनि ऋषि नहीं जिसका मत ही अलग नहीं। लेकिन जो धर्म तत्व बड़े गोपनीय धर्म तत्व है, ये बहुत गोपनीय है। महाजनों ने जिस रास्ता में गए वही सर्वश्रेष्ठ रास्ता है। स्वयं नारद सम्मुख कुमार कपिल मुनि के 12 जन महात्मा जन, ये 12 जन महाजन। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कद ब्रह्मा शिव नारद प्रहलाद सुग व्यास सनक युधिष्ठिर प्रियव्रत पृथु ध्रुव अक्रूर उद्धव जितने बड़े बड़े महाजन है, लास्ट में इन लोगों ने क्या मांगे? भगवान के चरण में भक्ति मांगे। प्रभु आपकी चरण में हमें भक्ति दो, और कोई भी कुछ नहीं मांगे हैं, कोई धर्म अर्थ तो कोई मोक्ष कुछ नहीं मांगे, केवल भक्ति को ही प्रार्थना किया। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं तदस्तु में नाथ सभूरी भाग्य भवे अत्र व अन्यत्र व तिरस्साम जो अमे कांत अपि भव जना नाम भूत्वा निसेवत व पाद वल्लभ। ब्रह्मा जी कह रहे प्रभु पशुपति हो ताकि स्वर्गे वह निरय तब भक्ति रहो भक्ति विनोद हृदय। ब्रह्मा हम उसी का ही ट्रांसलेशन है। इसलिए पशु पक्षी हो था कि स्वर्ग वह निरय, भले स्वर्ग वह नरक में कहीं पशु पक्षी कीड़े मकड़े क्यों नहीं हो, प्रभु आपके चरण में हमारी जिसे भक्ति है केवल भक्ति प्रार्थना करते ही। इसलिए नाथ जो नि सहस्रेशु जैसु जैसु ब्रजाम्यम तेसु तेसु अच्युत भक्तिर अच्युतास्तु सदास्तोई। कहते प्रभु जिस जिस योनि में मैं क्यों नहीं जाए, लेकिन जैसे प्रभु तुम्हारे चरण में हमारी भक्ति ही रहे। बोले स्वकर्म फलम निर्दिष्टम जाम जाम योनि ब्रजाम्यहम तस्या तस्या हरिषिकेशत्वई भक्ति दृढ़ाता। इसलिए यहाँ पर कहते प्रभु भले ही जैसे जैसे स्वकर्म के अनुरूप जिस जिस योनि में क्यों भ्रमण नहीं करे, जैसे हर जीवन में जैसे आपके चरण में हमारी भक्ति रहे। इसलिए ये इसको द्वारा ही वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत को समाप्त करते हैं। इसलिए जो चैतन्य भागवत ऐसे के ग्रंथ है जिसमें केवल भगवान की चरण में प्रीति, भक्तों के चरण में प्रीति, भक्ति ही जीवन का सर्वस्व है। भक्ति नहीं तो सब कुछ बेकार है। अगर कुछ भी नहीं तुम्हारे पास में, अगर हमारे पास में भक्ति धन प्रेम धन है, हमारे पास में सब कुछ है। इसलिए ये सब चीज को सिख्या दी है श्री वृंदावन दास ठाकुर। इसलिए ठाकुर जी हम सबके ऊपर में कृपा करें, जैसे उनके चरण में गुरु वैष्णव के चरण में ठाकुर जी के चरण में हमारी भक्ति हो प्रेम हो, और हम भगवत भक्ति में धीरे धीरे बढ़ सके। ठीक है। वंशा गलभ्रुभश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानंग पावने भो वैष्णव भो नमो नमः। ब्लसे वृंदावन दास ठाकुर की, सचिनंदन गौर हरि की, सपरिकर महाप्रभु की, निताई गौर ब्रह्मानंद। हाँ, इसलिए कल से हम लोग तो जा रहे हैं, इसलिए आप लोग कल से तुम लोग सबके सब कीर्तन पाठ में बैठना, क्योंकि पुरुषोत्तम महीना है, किसको बुलाना नहीं पड़े। अरे सब महाराज लोग है नहीं, कोई कुछ बोलने वाले नहीं, ठीक है, अरे सोते रहो है नहीं, अपने आप सबके सब आना, और जो माला है सबके सब माला गाथना। ठीक है। राधारमण राधारमण का सेवा है क्या है?